Hi kiddos, and welcome back to Fun Drawings with Tanu Aunty. Today you know what we are going to do, a cabbage. I thought we'll not do it today, but then I said forget it. अब मैंने इतना सब सेटअप लगाया तो कर ही देती हूँ. तो कैबेज बनाने के लिए पहले तो हमको एक सर्कल बनाने का, ठीक है. सर्कल बनाने के बाद हम लोग को इधर से बिजली कड़कानी है. बिजली भी कड़कानी है. ये एक पत्ता है जो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है. और ये पत्ते को हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे ले आएंगे तो इधर हम लोग का थोड़ा सा रबिंग हो जाएगा, ठीक है. अभी इधर से हम लोगों को क्या करने का, एक वांगड़ू डंडी ऊपर लेकर जानी है, फिर एक और वांगड़ू डंडी ऐसा लेकर जानी, वो कुछ तो मोटा मोटा होता है ना कैबेज का. और फिर उसके बाद हम लोगों को है ना ऐसे ये वांगड़ू डंडी से ऐसे वेन्स बनाने हैं, ठीक है. सो दिस विल बी आर कैबेज. और फिर वो वेन्स ऊपर जाते जाते ऐसे हल्के हल्के होते हुए, अभी इतनी डार्क ड्रॉइंग तो रखनी नहीं है, ठीक है. और ये वेन्स ऊपर जाते जाते थोड़ी पतली भी हो जाएगी, मेरी मिस्टूक है, थोड़ी सी पतली कर देते नहीं तो वो बहुत झड़िया दिखेगा ना और गंदा दिखेगा, ठीक है. सो दिस विल बी आर कैबेज का ड्रॉइंग. और फिर ऐसे ऐसे वेन्स भी होंगे, वो सब हम लोग वो स्क्रेपिंग मेथड से करेंगे. सो वॉट वी डोंट वॉन्टेड सो डार्क, सो वॉट एम आई गोइंग टू डू इज जस्ट बच्चा 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 ओनली आई शुड बी एबल टू सी. नाउ टू स्टार्ट ऑफ, फर्स्ट वी आर गोना टेक अ वाइट वाइट कलर, वाइट वाइट फेस देखे. और पूरे कैबेज पे ना हम लोग वाइट कर देंगे, ठीक है. पूरे कैबेज पे दबा दबा के घसीट घसीट के हम वाइट कर देंगे. अभी क्यों कर रहे हैं वो तुमको बाद में पता चलेगा बच्चों, पर इजी है. कैबेज इज डैम सिंपल. पर इसके लिए हम लोगों को एक ऐसा कलर चाहिए होता है जो सिर्फ 50 के बॉक्स में मिलता है, और वो होता है येलो ग्रीन कलर, ठीक है. हमारी कैबेज होती है ऐसे येलो ग्रीन कलर, जैसे हम लोग की दूधी की होती है ना, बस वैसा ही. दूधी का कलर और कैबेज का कलर इज ऑलवेज मैचिंग मैचिंग. तुम लोग ऐसे येलो हल्का सा है ना येलो शेड्स भी दे सकते हो, बट अवॉइड येलो, क्योंकि हमारी हमारा कैबेज हमको जो दिख रहा हमारा कैबेज तो गोरा गोरा है, ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, ये येलो ग्रीन कलर लेते हैं. सी दिस इज द येलो ग्रीन कलर एंड दिस इज द लाइट ग्रीन, दिस इज द पोपटिया कलर. यू ऑल कैन यूज एनी, बट सी यू कैन सी द डिफरेंस. सो ऑलवेज यूज दिस. सी आई विल यूज दिस फॉर द अपर पार्ट. सो ये जो ग्रीन है, ये कौन सा ग्रीन है पता है, लाइट ग्रीन कलर. तो ये हमारा कैबेज है, बाहर की तरफ वाला कैबेज, ठीक है. ये जो बाहर की तरफ का पत्ता है, और इस पर भी हम डिचके हूँ लाइट ग्रीन कलर कर रहे हैं, ठीक है. तो जहाँ जहाँ हमारा वाइट आया है वहाँ वहाँ वो कलर ऑलरेडी फेडेड फेडेड दिख रहा है, करेक्ट. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, हाँ या ना तो बोलो. और फिर हम लोग ये लेंगे, व्हाट इज़ दिस कलर, येलो ग्रीन कलर. और फिर बाकी की जगह पे हम लोग येलो ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है. बचका बचका पूरा कर देना. हमने ऑलरेडी वाइट किया हुआ है बेस पे, ठीक है. तो हमने ये बचका 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 येलो ग्रीन कलर कर दिया. अभी हम लोगों को एक शेड थोड़ा सा हम लोग डीप ग्रीन लेंगे, पर वो तो सब नाम के लिए लेंगे. अभी तुम लोग अच्छे से ध्यान से सुनो, अभी इस पे भी हमारी वेन्स है, इस पे भी हमारी वेन्स है. अभी इसकी वेन्स कैसे ट्रैवल कर रही है ना ऐसे, पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐसे एक सल बना देते हैं. दिख रहा है तुमको ये सल, मैंने तुम लोग को मैं इससे बताती हूँ. और यू कैन टेक द लीफ ग्रीन कलर इंस्टेड ऑफ द डीप ग्रीन कलर, द लीफ ग्रीन कलर विल सूट इट मोर. ऐसा हम लोगों ने एक ऐसा वेन बना दिए ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए ऐसे. अरे बाबा लिख ले यार, इतना भी क्यों नाराज होता है. और जो इधर है ना, इधर हम लोगों को ऐसे बिचका 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 मैंने वीडियो ऑन किया और शब्द किया है ना, ऐसे किया, ठीक है. उसके बाद इसको हल्का हल्का स्मजिंग कर देने का, इजी होता है कैबेज. और फिर इधर जो भी दागा है, अभी हम लोग को क्या करना है, वेन्स बनानी है. सो यू कैन जस्ट सी, मेरा नाखून इतना मोटा हो गया मेरे को पता भी ना चला. ऐसे हल्के हल्की वेन्स बनानी है, ठीक है. अभी हमारा कैबेज ये ऐसे की तरफ जा रहा था, ऐसी वेन्स बनाइए. फिर लल्ला लल्ला लरी दूध की कटोरी, दूध में पता सा मुन्ना करे तमाशा. ऐसे ना वेन्स बनाते जानी, छोटी छोटी मोटी 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 सब ऐसे वेन्स बनाने. और फिर वापस उसको ऐसे ऐसे स्मच कर देने का, मतलब वेन्स दिखनी भी चाहिए और नहीं भी दिखनी चाहिए, ओके. अभी ये जो हमारा है ना बड़ा घटिया सा हो गया, क्योंकि मैंने इधर बीच में पहले डीप ग्रीन कर दिया था ना इसलिए, तो मैं इसको है ना हल्का सा इरेज कर रही हूँ. मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, क्या करूँ, नहीं अच्छा लग रहा, तो ना सही हम लोग वापस कर देंगे, हमको टेंशन नहीं.
ये थोड़ा सा हम लोगों ने ऐसे किया। अभी इधर भी हमको ऐसे ऐसे वेंस 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 ऐसे कर देने का ये हम लोगों का। और फिर उसके ऊपर ऐसे हल्का हाथ मारने का, बहुत ज़्यादा दबच के हम हाथ नहीं मारने का। नाउ यू विल टेक द सेम कलर एंड देन यू विल डू अ लिटल बिट ऑफ कारीगिरी अप हियर, ओके, बिकॉज अ कैबेज कैन नॉट बी टू डाई कलर। सो आई एम जस्ट डूइंग अ लिटल कारीगिरी दबा दबा के इधर येलो ग्रीन कलर। And whenever there is so much of kachra, don't do it like that. I am doing it just to show that you should not do it like that. You have to do jhadko. Okay? अभी हमें क्या करने का, ये जो हमने पहले पुतका बनाया था ना, ये पुतका को हमने स्क्रेप कर दिया तो वाइट आ गया। अभी जो हमने ऐसे से लाइन्स बनाई थी, याद है कि भूल गए, हमने ऐसे बनाई थी ना लाइन्स कैबेज की, ऐसे जो लाइन्स बनाई थी वो करनी है। और फिर उसमें से हल्के 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 फुलके हल्के 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 फुलके हल्के हल्का, ये जो हल्का हल्का शुरू है। और फिर हम लोगों को क्योंकि ये मैचिंग नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो मैंने क्या किया है, ये छोटा सा लीफ ग्रीन कलर, नहीं सॉरी, ये पटिया ग्रीन कलर लिया। मेरे को लगता है मैंने तुम लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़ कर दिया है ना। मैंने I'll show you the colors which I've used. I don't want to confuse you here. ऐसे just to make it a little matching. ठीक है, ये हम लोगों ने हल्का हल्का इसके अंदर ऐसे ले करा। कैबेज बहुत सिंपल होता है, काई टेंशन नहीं लेने का। और ऐसा कर दिया, ये कैबेज हमारा प्यारा सा कैबेज बन गया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इधर एक लाइन ऐसे ज़बरदस्त आनी चाहिए तो वो कैबेज का लुक अच्छे से देगी। तो मैं ये ऐसे ज़बरदस्त वाली लाइन कर रही हूँ। फिर इसको हम लोग इस कलर से ऐसे मिक्सिंग मिक्सिंग कर देंगे तो हमारा ये कैबेज डालो। रिमेंबर, जहाँ पर भी इफ़ यू ऑल वॉन्ट यू कैन डू अ लिटल बिट ऑफ डार्कर कलर दिस साइड, दैट मीन्स जस्ट टू शो दैट दिस इज अ कैबेज, है ना, ऐसे थोड़ा सा just to show that this is a cabbage we are doing this. ऐसा कुछ remember children, the examiners do not know what is come in front of you. I keep on repeating this because children get nervous कि ये ऐसा रखा है तो इसका नर्व इधर से दिख रहा है तो हमारा भी ऐसा ही दिखना चाहिए। नहीं रे बाबा, एग्जामिनर को नहीं पता है रे तुमको कैबेज को क्या दिख रहा है तुमको। तुम लोग क्लासरूम में बैठे बैठे भी चार पोजीशंस हो सकते हैं, करेक्ट? तो इसलिए कभी भी टेंशन नहीं लेने का, जस्ट कीप ऑन डूइंग द वे यू वांट टू डू इट, ओके। कैबेज इज जस्ट, और फिर जहाँ पर भी ये है फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। एक तो मेरा काला कलर कौन सा लिखता है कौन सा नहीं लिखता ना, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। द पार्ट विच इज टचिंग द ग्राउंड विल बी डार्क and then the shadow. For elementary and for intermediate it will be black plus the color of their chadar or the cloth which is there behind, okay. Just don't do anything, follow the rules. If you don't follow, you will be the biggest fool. Rule manje rule, nahi follow kiya to fool. So our cabbage is done.